कोड। अच्छा, आप ये VS कोड पे लिख लेना, ये मुझे भी यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम होगी ना, समझ में नहीं आता VS कोड के अलावा ना। इसको कट कर लेना सही यहाँ से, सर। या इसको इसको ये कहाँ पे सेव है, ये फोल्डर ज़रा मुझे दिखाएं कहाँ सेव किया हुआ है आपने। ये तो सर इसकी बनाई थी डॉट HTML में सेव किया था, ये डेस्कटॉप पे ही है सर, हाँ, ये डेस्कटॉप पे है ना, तो ये जो डेस्कटॉप पे आपने रखा हुआ ये है वाला सीधा है। सीधा। हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी पहले सामने आ गए वापस आप, सर। नहीं वापस आप डेस्कटॉप पे जाएँ पहले। हाँ डेस्कटॉप पे जाऊं सर? सर यहाँ पे ना, ये जो आपने सीधा रखी हुई ना फाइल, इसको आपने ऐसे नहीं रखना। यहाँ पे एक फोल्डर बनाया आप, और उसमें इस प्रोजेक्ट का एक नाम लिखे हैं आप, और उस फोल्डर के अंदर आपने ये रखना है। ठीक यहाँ है पे सर। हाँ, एक फोल्डर अभी बना दें जल्दी से, यहाँ पे राइट क्लिक करें, फोल्डर बना दें। इसमें हाँ लिख दें प्रैक्टिस या कैलकुलेटर, कुछ भी प्रोजेक्ट का एक नाम होगा प्रॉपर आपका ना। बेस में डाल दूं हाँ, सर? इसको उठा के फोल्डर के अंदर कर दें, ठीक है। हो गया सर। अच्छा, ये फोल्डर भी आपने डेस्कटॉप पे नहीं रखना, सही है। इस फोल्डर को आपने सर रखना है एक, आप अपना डेटा जहाँ पे भी रखते हैं ना, वहाँ पे जाएँ आप, उस ड्राइव में जाएँ आप, और वहाँ पे ना आपने प्रोजेक्ट्स के नाम से एक फोल्डर बनाना है। कैपिटल से आप प्रोजेक्ट्स लिखें, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि इसमें आपके सारे प्रोजेक्ट्स लाइन से पड़े हुए हैं ठीक है सर। ना। अब जहाँ पे अपना डेटा आप रखते हैं ना, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे एक फोल्डर बनाएं प्रोजेक्ट्स के नाम से, अभी बना लेंगे। यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लें, ठीक है। कैपिटल, सारे कैपिटल से लिखते हैं प्रोजेक्ट, ताकि ना वो बिल्कुल अलग हो जाए, सही है। एस लगा दें इसमें प्रोजेक्ट। अच्छा, शुरू में ना इसके अंडरस्कोर लगा दें, उससे क्या होगा, ये सबसे टॉप पे शो होगा। फिर शुरू में ना इसके पी से भी पहले एक अंडरस्कोर लगा दें। हाँ, ये हो गया अब सर, ये बिल्कुल टॉप पे शो होगा, अब एंटर कर दें इसको, ठीक हो गया रिफ्रेश सर। करें। ये टॉप पे क्यों नहीं गया यार, ये क्या बकवास है। एक मिनट सर, इसको अभी दोबारा खोल लेते हैं। बी में है। ये आ गया सर। सही है ना, अभी वो इसको ओपन करें और वो इधर ला के खड़ा कर दें उसको, उसको ना ड्रॉप करके ना ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दें, सही है। अब ये देखें, ये आ गया प्रोजेक्ट्स का सर। फोल्डर है आपका, अब ये प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में आपका ये पहला सर प्रोजेक्ट आ गया। अब इसी तरह आपके लाइन से सारे प्रोजेक्ट का ना यहाँ पे अलग अलग फोल्डर होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट वर्क, जो भी आपने इसका नाम रखना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आप इस सर प्रैक्टिस वर्क के अंदर जाएं, आप इस प्रैक्टिस वर्क वाले फोल्डर के अंदर चले जाएं, सही है। तो ये आपके, सर आप प्रोजेक्ट के रूट में इस वक्त खड़े हुए हैं अपने ना, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर। ठीक अब इसको आपने खोलना है ठीक VS कोड में, आप ये जो एड्रेस बार है इस पर क्लिक करें, एड्रेस बार के ऊपर क्लिक करें। हाँ, यहाँ पे इसको मिटा दें जो भी लिखा है, और CMD लिख के यहाँ पे एंटर कर दें, CMD लिखें। अब ये CMD लिख के एंटर करने से क्या होगा कि इस फोल्डर के अंदर ना टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। ये देखें, अब इसी फोल्डर के अंदर ओपन हुआ है, ये लिखा आ रहा है ना, डी और बिल्कुल आ प्रोजेक्ट्स गया, आ गया और सर। प्रैक्टिस वर्क। अच्छा, एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है, ये जो आपने प्रैक्टिस वर्क के बीच में स्पेस दिया ना, आपने ना फोल्डर के नामों में या फाइल के नामों में ना स्पेस देने से ना गुरेज करना है, क्योंकि ये सम टाइम ना प्रॉब्लम करता है। तो ये जब एडवांस चीज़ों में आप जाएंगे ना, तो उसमें जाके कभी कभी ना ये प्रॉब्लम करता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ना, विंडोज़ हो, लिनक्स हो, कोई सी भी हो। तो ये आपने कोशिश ठीक है करनी है सर। कि फोल्डर के और फाइल के नामों में स्पेस नहीं आपने देना। अच्छा, अब इसमें हाँ लिखें आप ठीक कोड स्पेस डॉट, तो उससे कोड स्पेस डॉट लिखने से क्या होगा, ये ये वीएस कोड में खुल जाएगा VS सर। कोड में ये खुल जाएगा। एंटर कर दें। आई ट्रस्ट, सही है। अच्छा, ये हमेशा ना आपने इसी तरह से प्रोजेक्ट को खोलना है। अगर आप, ये हमने क्या खोला है, ये हमने फोल्डर ओपन किया, ये हमने फाइल नहीं ओपन किया। अच्छा, तो अगर फाइल आप ओपन करेंगे ना, तो आपको फिर ऑप्शन ठीक है बहुत सर। सारे नहीं शो होंगे। अब ये फाइल पे क्लिक कर दें ज़रा, ताकि फाइल शो हो जाए इधर। ये वाली सर।
हाँ इसको बस फुल स्क्रीन कर दें, ज़बर सही आपने किया, बिल्कुल फुल स्क्रीन कर दें। अब इसको देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो नहीं, हो गया सर। अच्छा जी, आपका कंप्यूटर ना थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, मेरा ख्याल है ये कुछ चीज़ें बंद कर दें अभी, जैसे नीचे VLC प्लेयर वगैरह ना एक्स्ट्रा कुछ खुले हैं तो इनको बंद कर देना आप, ताकि थोड़ा आपका ये PC तो सेट हो। क्लास देख रहा था सर अच्छा, मैं। ये आप क्लास देख रहे हो। अच्छा, ये आपने डाउनलोड कर लिया। अच्छा सही है, ठीक है। हाँ नोट पैड भी बंद कर दें, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक दफ़ा ज़रा मुझे टास्क मैनेजर खोल के ना आप अपने कंप्यूटर की ज़रा वो दिखाएं, टास्क मैनेजर ओपन करें, वो कहाँ पे होगा सर? वो बस स्टार्ट का बटन दबाएं और TASK लिखें आ जाएगा, स्टार्ट का बटन दबा के ना डायरेक्ट लिखना शुरू कर दें। एंटर करें, हाँ ये आ गया। बस माउस को ज़्यादा टच ना किया करें ना, माउस को टच करने से ना आपका जो वर्क तो वो स्लो डाउन होता है आपका, इसमें परफॉर्मेंस पे जाइएगा ज़रा। ठीक है सर। अच्छा आपके पास ना रैम थोड़ी सी कम है ना, तो जिसकी वजह से आपका सिस्टम ना थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है, तो मैं आपको ना एक सॉफ्टवेयर करवा देता हूँ ये, ताकि ना रैम थोड़ी सी आपकी ना वो सही हो जाती है उससे। जाके ज़रा गूगल पे लिखें ये, ठीक है उसके सर। बाद हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। अच्छा बाकी लोग भी ना, ये जो मैं इसको इनको क्लोज बता कर रहा दूं हूँ, सर? हाँ इसको नहीं, इसको क्लोज़ नहीं करें, बस इसको रहने दें, खुला रहने दें, ताकि हम देखें। फिर वो गूगल क्रोम पे जाके लिखें ज़रा वो मेमोरी बूस्टर, मेमोरी बूस्टर लिखें और साथ में लिखें फाइल हिप्पो। अच्छा सारे लोग ना ये ज़रा इसको देखें, ये मैं क्या बता रहा हूँ इनको, ठीक है। ये आप लोगों ने भी इस चीज़ को फॉलो करना है, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो नया टैब में जाके लिखें फाइल हिप्पो और मेमोरी बूस्टर और साथ में लिखें फाइल हिप्पो। सही है, मेमोरी बूस्टर से ज़्यादा इनके हार्ड डिस्क पे स्पेस ही नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम। हाँ वो भी इनको मैं बताता हूँ, अभी सजेशन देता हूँ। मेमोरी बूस्टर सर? हाँ और फाइल हिपो ये आ गया नीचे, पहली सजेशन आ गई है। हाँ बस ये चले जाएँ इसके अंदर आप। इसको डाउनलोड कर लें, नो थैंक्स करें इसको ना, नो थैंक्स करें, ये आपसे कुछ और डाउनलोड करवा रहा है। नहीं कहाँ नहीं पे है सर? ये इसको क्रॉस कर दें, ये इसने ऐड खोला है मेरे ख्याल सामने, इसको क्रॉस कर दें ऐड को, ये आवाज़ लिखा हुआ है ना जो ये ऐड है शायद। सही सर। इस पे हाँ जाऊँ ये सर? जो ये तो लेटेस्ट ऐड है सर। लेटेस्ट वर्जन ऑफ डाउनलोड है ना, ये वाला बटन है इसका असली, लेटेस्ट वर्जन जो लिखा हुआ है ना फॉर डाउनलोड विंडोज़ 1.7 MB, ये वाला है। हाँ क्लिक कर दें इसके ऊपर, ये अभी डाउनलोड हो जाएगा। क्या खूब तेरी सुल्फत में ये फाइल हिपो वाला ना टैब बस क्लोज कर देंगे, अब आपको ऐड दिखाया जा रहा है बिला वजह के। ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है सर। इसके ऊपर तेरी सुल्फत
इसको हाँ बस अनजिप कर लें इसको ज़रा। अच्छा ये जो आप इसको कट करें, जो आपने खोला है इसको कट करें ज़रा, ये सामने खुला हुआ है ना इसको भी कट करें, वो डेस्कटॉप पे जो आपने एक्सट्रैक्ट किया ना फोल्डर, हाँ ये जो यहाँ ये वाले को ना पकड़ के उठा के सी ड्राइव के रूट पे ले जाके रख दें, ये सी ड्राइव के ना रूट पे इसको पकड़ के खींचें और सी ड्राइव पे ला के छोड़ें, खुद ही चला जाएगा ये, इसको पकड़ के ना सी ड्राइव पे ला के इसी में डाल दूँ सर? नहीं नहीं इधर नहीं डालें इसको, ये इसका असल में परमिशन का इशू हो जाता है फिर इसके साथ, इसको राइट क्लिक करके कट कर लें और कट करके ना फिर सी में ले जाके पेस्ट कर दें इसको। सी ड्राइव के ना रूट पे ले जाके इसको पेस्ट इधर सर, हाँ इधर पेस्ट कर दें इसको, इधर पेस्ट कर दूं सर? हाँ जी जी इधर पेस्ट कर दें इसको सर, जहाँ पे पेस्ट कर दूं सर? हाँ जी पेस्ट कर दें। अच्छा इसको ओपन करके ना अब इसमें एक होगा, हो गया सर, इसको ओपन करें, इसके अंदर एक एग्जी फाइल होगी उसको रन कर दें। हाँ ये नीचे से तीसरे नंबर पे जो है ना वो है, हाँ इसको चला दें ज़रा डबल क्लिक करके, और ऑप्शन में जाके ना इसको ऑटो स्टार्ट पे भी क्लिक कर दें ताकि खुद ही चल जाए, करें ऑप्शन में जाके ना ये पहला वाला जो चेक है ना इसको लगा दें, पहले वाले चेक को, नहीं नहीं ये वाला नहीं, हाँ स्टॉप वाला जो बिल्कुल स्टार्ट मेमोरी बूस्टर वैन विंडो स्टार्ट, नहीं नहीं इसको नहीं छेड़ना आपने। ओके सर अप्लाई हो, ये इंटेलिजेंट वाले को नहीं छेड़ना आपने, ये बस बीच वाला करें ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन। ये वाला वो जो टॉप वाला है ना स्टार्ट विंडो स्टार्ट मेमोरी बूस्टर व्हेन विंडो स्टार्ट, ये वाले पे चेक लगाना है आपने बिल्कुल टॉप पे जो पहला है सर, ताकि अगर आप कंप्यूटर रीस्टार्ट भी करें तो वो चलता रहे, बस इसको ओके कर दें, हो गया। बस उसको क्रॉस कर दें, ये बैकग्राउंड में कभी चलता रहेगा, अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये फोल्डर भी क्लोज कर दें, इसको भी क्रॉस कर दूं। हाँ अब आप ज़रा देखें टास्क मैनेजर में जाके, ये खुला हुआ है नीचे, ये रैम आपकी ना एकदम नीचे चली गई होगी, अब वो कहाँ पे थी? बस एंटर प्रेस किया करें, ये देखें रैम आपकी ना काफ़ी अभी सेट हो गई है, नीचे चली गई है, ठीक है सही सर। अच्छा अब आपका सिस्टम थोड़ा सही चलेगा, दूसरा ये हार्ड ड्राइव का स्पेस भी ना आपके काफ़ी कम है ना, तो जो सी ड्राइव है ना आपका, जो सी ड्राइव के अंदर आपको थोड़ा स्पेस रखना चाहिए ना, एटलीस्ट 5 GB से 10 GB तक का स्पेस उसको रखना चाहिए आपको। चले वेल क्रॉस करके ना इसको वापस वी एस कोड में आ जाते हैं अब। अच्छा वी एस कोड भी सर, आपके पास दो खुले हुए हैं, एक को बंद कर दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, हाँ इस वाले को बंद कर दें, सेव कर लो सर। हाँ सेव कर लें। अच्छा जी अब इस फाइल को ज़रा अपने ब्राउज़र में आप ओपन कर लें, और बल्कि एक मिनट पहले तो कोड मुझे ऊपर से नीचे तक ना पूरा दिखाएं, ये तो सम वाला जो लाइन नंबर 11 से लेके 16 तक आपका फॉर्म है, सम का फॉर्म है, ठीक है, और नीचे जाएँ ये डू सम का फंक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा फिर आपने एक फॉर्म और बनाया है, ये तो सर आपको देखते हुए सर कॉपी किया है सर पहले वाला, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा ये जो आपने लाइन नंबर 54 में जो बनाया ना H1 रिजल्ट, ये एक आईडी ना आप दो एलिमेंट्स को नहीं दे सकते, ये आपने गलती की है, लाइन नंबर 54 में जो आपने आईडी दी है ना रिजल्ट, इसको कर दें आप रिजल्ट और उसके आगे कुछ लगा दें, 1 2 लगा दें कुछ यहाँ पे सर। हाँ यहाँ पे आपको 1 लगाना होगा, क्योंकि वो एक बार आप रिजल्ट दे चुके हैं ना ऊपर एक एलिमेंट को, वो आप दोबारा नहीं दे सकते दूसरे, ठीक है सर, वरना जब आप कहेंगे ना कि रिजल्ट वाले आईडी में जाके ये डिस्प्ले करो, तो वो किस में करेगा, इसमें करेगा या उसमें करेगा,
कंफ्यूज होगा वो। सही सर। अच्छा आप नीचे जाएं ज़रा, वो जिधर आपने रिजल्ट इसका डिस्प्ले करवाया ना सब्ट्रैक्ट का, उसमें भी फिर यहाँ पे आईडी आपको कहना पड़ेगा, रिजल्ट वन के अंदर आप ये डिस्प्ले करो। ये वाला सर? हाँ बस ये कोड तो ठीक है आपका, अब इसको सेव करें, इसको ओपन करें ज़रा। ओपन करने का तरीका ये है, फाइल के नाम पे राइट क्लिक करें, इधर भी कर सकते हैं या इधर भी कर सकते हैं, दो दो जगह फाइल का नाम लिखा है ना, कहीं भी कर सकते हैं। कॉपी पाथ, और ब्राउज़र में जाके नया टैब खोलें और उसको पेस्ट कर दें। ये अगर पहले से खुला है तो उसको रिफ्रेश करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। ये खुला है सर? ये असल में डेस्कटॉप वाला है, ये तो हमने हटा दिया है, ये तो डिलीट कर दिया ना हमने। बिल्कुल सर, ये हटा दिया है। अब इसका साथ में जब भी आप कोई ऐप बनाए ना, साथ में कंसोल आपका ओपन होना चाहिए। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट दबाएं, कंसोल आपका ओपन होगा, तो जब भी आपको एरर अगर कोई आता है ना तो वो फौरन नज़र आ जाएगा। कंसोल जो सेकंड नंबर पे, उस पर क्लिक करना, एलिमेंट है उसके बाद कंसोल लिखा हुआ है। एलिमेंट कहाँ पे सर? टॉप में जो है टैब्स बने हुए हैं ना, जो आपने खोला है ना, जो टैब्स बने हुए हैं, एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, टॉप पे, टॉप पे, इससे ऊपर और ऊपर, ये हेड, ये एम इमेज हो गया सर, इससे भी ऊपर एलिमेंट, एलिमेंट जहाँ लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा ये वाला सर, इसके पड़ोस में कंसोल है ना, इस पे चले जाएं सर। हाँ यहाँ पे ना जावास्क्रिप्ट का कोई भी एरर होगा वो इधर आएगा। अब ज़रा जल्दी से ये सम करें और सब्ट्रैक्ट दोनों करके दिखाएं। ठीक है सर। ये तो सही हो गया बिल्कुल। अब सेकंड वाला, ये हो जाता है, ये गायब हो ये जाता है। आपका ना, आपका पेज रिफ्रेश हो रहा है, आपका पेज रिफ्रेश हो रहा है। वापस कोड में जाएं, अच्छा पेज रिफ्रेश को रोकने के लिए ना, एक हमने रिटर्न फॉल्स करके लगाया था फॉर्म के ऊपर ना, तो ज़रा सा ऊपर जाइएगा जहाँ पे फॉर्म बना हुआ है, सब्ट्रैक्ट का फॉर्म जहाँ बना हुआ है ना, वहाँ जाएं। अच्छा सही है, रिटर्न फॉल्स तो आपने बिल्कुल सही लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा सम टाइम ये होता है कि सब्ट्रैक्ट का जो फंक्शन है ना, उसके अंदर कोई एरर आता है जिसकी वजह से वो रिटर्न फॉल्स तक पहुँच ही नहीं पाता, तो आप ज़रा दोबारा से गूगल क्रोम में जाएँ। अच्छा ये जो आपने इसको क्रॉस करेंगे, सामने क्या आ रहा है, प्रोटोगेस। अच्छा ये जो कंसोल लिखा हुआ है ना जहाँ पे एलिमेंट और कंसोल, इसके सर बिल्कुल राइट मोस्ट पे ना आप देखें एक सेटिंग का बटन है, नीचे सर, वाला, नीचे वाला, ये इससे नीचे एक है, हाँ ये वाला, ये ये प्रेस वाला, करें, हाँ ये प्रेस करें, इसके प्रिजर्व लॉग का एक ये आपको मेन्यू देगा, सेकंड नंबर पे प्रिजर्व लॉग्स आ रहे हैं, इस पर चेक लगा दें, ठीक है। अब ये कंसोल को क्लियर करें और अपना पेज रिफ्रेश करके दोबारा से ट्राई करें। अब इससे होता ये कि कंसोल को क्लियर करने के लिए ना, जहाँ एलिमेंट लिखा है वहाँ पे क्रॉस का बटन है, वो दबाना होगा आपको, ऊपर कहाँ पे सर, गोल सा जो क्रॉस का बटन है एलिमेंट के नीचे, एलिमेंट्स जहाँ लिखा है उसके नीचे, ये वाला सर, ये वाला नहीं, गोल वाला, इसके ऊपर जो है ये वाला दबा दें, क्लियर हो जाएगा इससे कंसोल, ठीक है। जितने भी एरर थे वो सारे क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब अपना पेज रिफ्रेश करके आप और दोबारा से ये सब्ट्रैक्ट वाला चला कर दिखाएं, अब जो एरर होगा वो इधर आपको ये शो करेगा। इससे क्या होता है, जो प्रिजर्व लॉग से, कि अगर पेज रिफ्रेश भी हो जाए ना तो एरर का मैसेज जो वो रहता है इधर कंसोल पे, वो क्लियर नहीं होता। अच्छा अब देखें, ये ना कह रहा है कि लाइन नंबर 45 के ऊपर ये एरर आया है, ठीक है, लिखा हुआ है ना अनकॉच एरर और रेफरेंस एरर, डू सब इज़ नॉट डिफाइंड, कह रहा है कि डू सब के नाम से जो आप कोई चीज़ लिखी है आपने, किधर लिखी है आपने, लाइन नंबर 45 में लिखी है, वो जो है ना मौजूद ही नहीं है। लाइन नंबर 45 पे आप चले जाएं ज़रा, ये वाला, हाँ ये कह रहा है कि ये डू सब जो आपने लिखा है ना, ये मौजूद ही नहीं है, सही है। अब आपने जो फंक्शन बनाया उसको देखें ज़रा, किस नाम से बनाया आपने, नीचे वाला सर, हाँ ये आपने लिखा है, हाँ तो ये डू सब और ये दोनों एक होने चाहिए नाम,
जब ही तो उसके क्लिक पे ये फंक्शन रन होगा ना। ठीक है सर। हाँ अब ज़रा चलाएं, सेव करके उसको। सेव हो गया सर। रिफ्रेश कर दें इस पेज को और दोबारा से रन कर लें। स्टिल आपको ये कह रहा है कि डू सब इज़ नॉट डिफाइंड, कह रहा है डू सब अभी भी मौजूद नहीं है। अभी आपने पता है मिस्टेक क्या की है, डू सब की स्पेलिंग तो सही है लेकिन कैपिटल आपने कर दिया है इसको। सर देख लेते हैं, ये जो जावास्क्रिप्ट है ना वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर डू सब का जो एस कैपिटल है ना और एस स्मॉल है वो दो अलग अलग हैं, फिर वो एक नहीं है। ऊपर आप फॉर्म पे देखें, आपने ना वो एस कैपिटल लिखा है और इधर आपने ऐसे लिखा है स्मॉल, बिल्कुल। तो ये दो दो अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा अब ये देखें, इसने दोबारा से एरर दिया है। एरर का मैसेज पढ़े पढ़े ज़रा, क्या एरर का मैसेज आया है? नहीं ये तो पुराने एरर हैं। असल में इसमें होता क्या है कि जब आप प्रिजर्व लॉक का सेटिंग सही कर देते हैं ना तो फिर वो खुद से ना लॉक को क्लियर नहीं करता। तो आप ज़रा लॉक को क्लियर करें खुद से ना, हाथ से करना पड़ेगा आपको और दफ़ा। अब ज़रा करें आप, तो आपको प्रॉपर पता चलेगा एरर आपका क्या है ना। ये देखें आप, सही है, ये प्रॉपर आपका एरर आया है। जो पहली लाइन से आप पढ़ेंगे ना तो पहली लाइन से आपको समझ आ जाएगा क्या इशू है। इसने कहा सम रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, कह रहा है सम रिजल्ट के नाम से कोई चीज़ लिखी है आपने, कहाँ पे लिखी है? लाइन नंबर 73 में, जो कि इसको पता नहीं चल रहा कि ये क्या है। अब लाइन नंबर 73 में सम रिजल्ट देखें कहाँ लिखा है आपने। हाँ अब ये जो सम रिजल्ट आपने इसमें रखवाया है ना, ये इसको नहीं पता चल रहा। असल में आपने ऊपर नाम रख दिया इसका सब रिजल्ट और नीचे रखवाया सम रिजल्ट, इसलिए मसला हो रहा है। इसको भी सब कर दूं सर? हाँ इसको भी सब करना होगा आपने। एरर के मैसेज को क्लियर करें ना चलाने से पहले इसको, ताकि आपको जो नए एरर आए वो पता चले। ठीक है सर, अब ठीक हो गया सर। अब ठीक हो गया, लेकिन जो आपका ये रिजल्ट आया ना वो एन नहीं हुआ सर, जीरो आ रहा है सर। हाँ जीरो आ रहा है, ठीक है। और रिजल्ट आपका एन ए एन आ रहा है इसमें, नॉट अ नंबर। वापस कोड में जाएं, आपने इसमें कुछ और भी मिस्टेक की हुई है। नम वन और नम टू, ये आपने जो दोनों इनपुट है ना उसमें नम वन और नम टू रखा है ना। ऊपर जाएं ज़रा और ऊपर जाएं ज़रा। अच्छा आपने जो ये पहले दो फॉर्म आपने बनाए हुए हैं ना, तो सर पहले फॉर्म में भी आपने दोनों इनपुट को लिखा है नम वन और नम टू। ऊपर जाएं बिल्कुल पहले फॉर्म पे, ये आप देखें लाइन नंबर 12 में और लाइन नंबर 14 में आपने जो इनपुट लिखा है ना, इनपुट का जो मार्कअप लिखा है, इसमें आपने दी है आईडी नम वन और एक को दी है नम टू। सही हो गया ना? तो ये आईडी आपने जो नम वन इसको दे दी है ना, ये आप किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकते। अब आपका जो नीचे वाला फॉर्म है ना उसमें आपको ये नम वन नहीं दे सकते, कुछ और आपको देना पड़ेगा। और थ्री एंड फोर दे देते हैं सर। हाँ थ्री और फोर दे दें इसको, और फिर नीचे फंक्शन में भी उसी नाम से फिर उसको गेट करेंगे तो उसी नाम से गेट होगा। लाइन नंबर 46 में नहीं, ये इसकी बात नहीं कर रहा, ये आईडी की बात हो रही है। ये तो उसका इस पे आईडी जो लगी हुई है ना इनपुट के ऊपर, आईडी इक्वल्स टू नम वन।
ये लाइन वाली नंबर सर 46 की बात हो रही है, लाइन नंबर 46 में जो इनपुट के ऊपर आईडी लगी हुई है। ये वाली सर हाँ, ये आईडी जो है ना आपने पहले भी किसी को दी हुई है नम वन ऊपर वाले में, तो बिल्कुल इधर नम वन नहीं आप बिल्कुल दे सर सकते, इधर आपको अब देनी है दूसरी आईडी। ठीक है सर। थ्री और फोर कर दें। हाँ बिल्कुल अच्छा, अब ये लाइन नंबर 63 में ना आपने इस इनपुट से वैल्यू को उठाया है, तो यहाँ पे अब आपने जो इधर है भी ना, चेंज। हाँ जो आईडी इधर दी है वही से उसी आईडी से ये गेट होगा। सही है सर। सेव करके अब चलाया जरा इसको। अब क्लियर हो गया सर। वेल डन यार, ज़बरदस्त, क्या बात है आपकी, बहुत अच्छा बनाया आपने ये तो। अच्छा इसमें और ज़रा जजाक कुछ अल्लाह सर। दूसरे नंबर भी डाल के देखें, ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा इस बार। अब ठीक है सर। सही है, ये इस कंसोल के ऊपर लाइन नंबर 71 में एक NAN ये क्यों आ रहा है? NAN तो नहीं आना चाहिए इधर। 71 सर हाँ देख लाइन नंबर लेते हैं। 71 में देखें हमने क्या कंसोल लगाया। अच्छा ये आपने बीच में माइनस डाला है, इसके एक स्ट्रिंग लिखा है, ये इधर माइनस नहीं था, इधर कॉमा था ना, कॉमा लगाते हैं इधर। हाँ इधर सर ये माइनस नहीं है इधर, इधर कॉमा है। वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ना उसको आपने प्रिंट कराने की कोशिश की है, तो प्रिंट कराते हुए ना ये थोड़ा सा स्ट्रिंग लिखा है हमने और फिर उसके बाद वो वेरिएबल लिखा है जो हमने प्रिंट कराना है, तो इन दोनों को कॉमा सेपरेटेड होता है। ये स्ट्रिंग हम इस वजह से लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि अच्छा यार ये मतलब ऐसे लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पर ना, सब रिजल्ट इज़ और 5 लिखा हुआ आएगा। सही है, अब इसको चलाएं वो ठीक अब है सर। NAN की जगह ना वो रिज़ल्ट कंसोल पर भी प्रिंट होगा और उधर भी प्रिंट होगा स्क्रीन पर भी। इसको क्लियर कर दूं हाँ सर। इसको क्लियर करके रिफ़्रेश कर लें, रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश। सही है, देखा सब सब रिज़ल्ट इस 4 आ गया, पहले NAN आ रहा था यहाँ पे, बिल्कुल सर। क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो माइनस नहीं हो सकता किसी नंबर के साथ, वो माइनस करने की कोशिश कर रहा था माइनस की वजह से। अच्छा अब ठीक इसी है सर। तरह जो है आपने ये आपने बना लिया है प्लस और माइनस, अब इसी तरह से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड भी बनाना है। सही है, और ये अभी जो सर क्लास हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ना ये रिकॉर्ड भी हो गई हैं, तो अगर आप यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड में फंस जाएं अगर, तो आप ये देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें एक और चीज मैं करना चाह रहा था कि ये जो पहले वाला है इंटरफेस सर, हाँ साम वाला, तो जी मैं चाह रहा था कि इधर ही चार बटन लगा दूं सर। इधर कोई वैल्यू डालूं, सम करूं तो नीचे सम आ जाए, माइनस करूं तो माइनस आ जाए, प्रेस जो भी है सर इस तरह। तो उसके लिए सर मुझे सिर्फ फंक्शन अलग अलग बनाने पड़ेंगे और बटन ऊपर ही बना दूं सर। असल में अब बटन जो है ना फिर आपको आप फॉर्म से बाहर आपको बनाना पड़ेगा ना, फिर फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते अच्छा आप, क्योंकि अभी फॉर्म में ये होता है कि आप सारी फील्ड्स लिख लेते हैं और लिख के आप एंटर प्रेस करते हैं ना तो फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो अब एंटर के ऊपर क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या होगा, ठीक है, तो इस वजह से अगर आपने ये काम करना है फिर आप फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आपने बटन अलग से अच्छा लगाना है उसके अंदर, और बटन के ऊपर ये ऑन सबमिट है ना इसकी जगह ऑन क्लिक लगेगा फिर, ठीक है। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि फॉर्म बनाओ, हम जितना भी प्रोफेशनल जो काम होता है ना जहाँ पे भी आप इंटरनेट पे कहीं पे कोई चीज़ फिल करेंगे ना एज अ फॉर्म या एज अ सर टेक्स्ट बॉक्स, जब आप फिल करेंगे और फिल करके जब आप एंटर प्रेस करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक वो काम कर देता है। जैसे गूगल सर्च की आप अगर हम बात करें तो आप google.com पे जाते हैं, सामने टेक्स्ट बॉक्स आ रहा होता है, उसमें लिख के ना हम एंटर प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक चल पड़ता है, तो इसलिए जो है ना फॉर्म वाला तरीका मैंने आपसे कहा है कि यूज़ करें आप। हाँ ठीक है सर। अब स्क्रीन कहाँ पे स्टॉप होगी सर? ये जिससे शेयर हुई है उसी बटन से स्टॉप होगी। हो गई सर। जजाक अल्लाह सर। चलें जी,
अच्छा, ये जो मैंने मोहम्मद हुसैन को ये इंस्ट्रक्शंस बताई हैं ना, ये आप सब लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है ना ये, तो आप भी इसको देखिएगा ज़रा कि प्रोजेक्ट को कैसे फोल्डर में किस जगह पे रखना चाहिए, प्रोजेक्ट को कैसे ओपन करना चाहिए, ठीक है। फिर आपके अगर ये जो सो मेमोरी वगैरह का कोई इशू है, अगर आपके पास रैम, क्योंकि अभी जो नई वाली विंडोज़ आई है ना, ये रैम हंगरी है बहुत ज़्यादा, इनको रैम बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल करवाया इनसे, वो भी अगर आपको ज़रूरत है उस सॉफ्टवेयर की तो आप भी वो कर लीजिएगा अपने पास, ताकि थोड़ा सा ना आपके जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाए, थोड़ा सा स्मूथ हो जाए आपकी डेवलपमेंट ना। अच्छा, किसी और का अगर कोई इशू है तो वो भी प्लीज़ बता दे, किसी का कोई क्वेश्चन है सर, ये लास्ट। डिस्कशन जो हुई है सर, ये रिकॉर्डिंग क्लास में इंक्लूड कर दीजिएगा सर। जी, ये रिकॉर्डेड है, ये इंशाल्लाह यूट्यूब पे जो है ना आपके